बागपत की खेकड़ा थाना पुलिस और एसटीएफ मेरठ ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक से पुलिस ने 900 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। पकड़ी गई शराब का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव और होली के त्यौहार पर किया जाना था। शराब की तस्करी गोंडा में की जानी थी, जिसको अम्बाला से ट्रक में भरकर लाया जा रहा था। शराब माफिया बड़े शातिर किस्म के हैं, जिन्होंने ट्रक के नीचे तो शराब भर रखी थी और शराब के ऊपर प्याज की 2 दर्जन से ज़्यादा बोरे डाल रखे थे, ताकि चेकिंग के दौरान पुलिस को शराब का पता ना लग सके। लेकिन एसटीएफ और पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 तस्कर और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि शराब हरियाणा में कहां से लाई गई थी और गोंडा में किस व्यक्ति को तस्करी करनी थी। खेकड़ा थाने में एडिशनल एसपी बागपत रणविजय सिंह ने शराब बरामदगी और तस्करी गिरफ्तारी के बारे में बताया। दरअसल शराब का जखीरा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने पकड़ा है, जहां एसटीएफ मेरठ और खेकड़ा पुलिस की सूचना मिली थी कि हरियाणा के अम्बाला से ट्रक में शराब लादकर बागपत की तरफ लाई जा रही है। तभी बागपत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए ट्रक को रुकवाया और जब ट्रक की गहन तलाशी की गई तो ट्रक में 900 पेटी अवैध शराब ट्रक ही मिली, जिसके बाद पुलिस ट्रक को थाने ले आई, जिसके बाद शराब के ऊपर रखे प्याज के बोरों को हटाया तो 900 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। फिलहाल एसटीएफ और खेकड़ा थाना पुलिस मामले में गहराई से जाँच कर रही है। शराब पकड़ी है, तस्कर भी पकड़े हैं, कहाँ से आ रही थी, क्या मामला रहा? देखिए, एसटीएफ मेरठ की यूनिट और खेकड़ा थाने की जो फोर्स है, एसएचओ खेकड़ा, सीओ खेकड़ा, इन सब लोगों के जॉइंट ऑपरेशन में एक टिप ऑफ था, उसके आधार पे हम लोगों ने एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 875 पेटी इलिसिट लेकर जो हरियाणा से गोंडा ले जाई जा रही थी, उसको पकड़ा गया है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस शराब की पेटी को ऊपर अनियंस के सैक्स रखे हुए थे, प्याज के बोरे रखे हुए थे, और उसके अंदर इसको छिपा करके शराब को लिया जा रहा था। और हम लोग के पास सटीक सूचना थी और हम लोगों ने इसको रास्ते में इंटरसेप्ट किया, कैच किया। उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इन लोगों से पूछताछ की गई है, पूछताछ में इन लोगों ने सारी बात बताई है। ये अम्बाला से लेकर चले थे और गोंडा जा रहे थे, और संभवतः इसमें इनका जो खरीदने वाला जो खरीद करके मंगा रहा था गोंडा निवासी है, और हम लोग बाकी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। संभवतः इस शराब का कंजम्पशन इस आने वाले इलेक्शन में के तौर पे किया जाना था, और उसके साथ साथ होली भी चूँकि सामने है, तो इन सभी चीज़ों अवसरों पे इसका यूज़ किया जाता। हम लोगों ने इसको इंटरसेप्ट किया है, इससे पूछताछ की जा रही है, और संभवतः इसके इस पूरे गैंग से जुड़े हुए और लोगों का भी कुछ आइडिया हम लोग को मिला है। हम इसको और भी आगे एक्सप्लोर करेंगे।